चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह ने 2017 में ही भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को ज्वाइन किया था, जिसके बाद वह बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते थे और उनकी रैलियों में पवन सिंह जमकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। लेकिन इसी बीच एक और खबर आने लगी कि पवन सिंह लोकसभा का भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियली खबर नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें कि पवन सिंह को बीजेपी के स्टार प्रचारक लिस्ट में ऊंचा पद दिया गया है। जी, आपको बता दें कि बीजेपी ने पवन सिंह का नाम काफी ऊंचा रखा है और उनकी रैलियों को पवन सिंह के जिम्मेदारी दिया गया है। यानी कि पवन सिंह बीजेपी के लिए काफी लंबा चौड़ा चुनाव प्रचार करने वाले हैं और बीजेपी की रैलियों में पवन सिंह अपने भोजप्रिय गानों से सभी भोजप्रिय दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वाले हैं। साथ ही साथ हिंदी के दर्शकों को देखना होगा कि क्या भोजप्रिय गाने से पवन सिंह लुभा पाएंगे, यह तो रैलियों में ही पता चल पाएगी। लेकिन इतना तो कंफर्म हो चुका है कि पवन सिंह बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक बन चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, इस पर ऑफिशियली खबर कब आती है। वैसे आपको बता दें कि अभी तक कोई भी इसके बारे में ऑफिशियली डेटा शेयर नहीं किया गया है, लेकिन पवन सिंह की पॉपुलैरिटी से कुछ ना कुछ बीजेपी को जरूर फायदा होगा, क्योंकि पवन सिंह जहां भी अपना प्रोग्राम करते हैं वहाँ काफी भीड़ होती है। करीब पवन सिंह को अकेले देखने के लिए 10 लाख से ज्यादा पब्लिक होती है। ऐसे में क्या पवन सिंह बीजेपी को फायदा पहुंचा पाएंगे चुनाव प्रमोशन में, या तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगी।